वेलकम स्टूडेंट, हम हमारी प्रीवियस क्लास में नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में अध्ययन कर रही थी और मैंने आपको बताया साइंटिफिक मेथड के बारे में, जिसमें मैंने उसकी कुछ विशेषताएं बताई थी, जिसमें प्रामाणिकता की बात थी, वस्तुनिष्ठता, निश्चितता, सामान्यता, क्रमबद्धता, कार्य कारण संबंध और पूर्वानुमान या प्रेडिक्शन की बात थी। और मैंने आपको कहा था कि जो है समाजशास्त्रियों के या विद्वानों के जो हैं दो मत हो गए थे, एक जो कहता था समाजशास्त्र विज्ञान है और दूसरा जो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो आज हम पहले उन विद्वानों का जो है मत के बारे में जो ये कहते हैं समाजशास्त्र विज्ञान है, उसका आज हम चर्चा करते हैं। और पहला जो है वह समाजशास्त्र विज्ञान है, सोशियोलॉजी एज अ साइंस। तो जो विद्वान ये कहते हैं समाजशास्त्र विज्ञान है, वो ये कहते हैं कि ये विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें हमने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। हमने किसका यूज़ किया है? साइंटिफिक मेथड का। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक व्यवहार एवं समाज का अध्ययन कल्पना के आधार पर नहीं किया जाता है, अपितु इसको वास्तविकता के रूप में अगर हम देखें तो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही उपकल्पनाओं का परीक्षण एवं सामाजिक नियमों सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही किए जाते हैं और दुर्किम और वेबर जैसे समाजशास्त्रियों ने तो बड़े सिद्धांत जैसे आत्महत्या का सिद्धांत वगैरह जो दिया है, इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर ही किया है। अतः समाज ये लोग कहते हैं कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की तरह ही एक विज्ञान है। दूसरा बिंदु यह है कि समाजशास्त्रीय ज्ञान प्रमाण पर आधारित है, इट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंसेस। हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं, समाजशास्त्री जो कुछ भी बात करता है वह किसी न किसी तथ्य के आधार पर कर रहा है, एविडेंस के सबूत के आधार पर बात कर रहा है। समाजशास्त्री किसी भी बात को बलपूर्वक मनाने का प्रयास नहीं करता है, वह तर्क के आधार पर फैक्चुअल एविडेंस डेटा देकर प्रमाणों के आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं। समाजशास्त्र में वास्तविक घटनाओं का अध्ययन अवलोकन व अन्य प्रविधियों द्वारा ही किया जाता है। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो है हम देखते हैं वास्तविकता में ये घटना घट रही है, उसी के आधार पर हम कोई बात करते हैं। तीसरा बिंदु है कि क्या है का अध्ययन करता है, इट स्टडी व्हाट इट इज, क्या होना चाहिए, व्हाट इट शुड भी नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी बात करें वो तथ्य के आधार पर, तथ्य क्या है जो सामने है, क्या है, क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं किया जाता है इसमें। समाजशास्त्र तथ्यों का यथार्थ रूप में वर्णन नहीं करता है अपितु इसकी व्याख्या भी करता है। इसमें प्राप्त तथ्यों को बढ़ा चढ़ा कर या आदर्श या कल्पना तक से मिश्रित करके नहीं करते अपितु जैसा है उसी रूप में इसको वास्तविक घटनाओं के वास्तविक तथ्यों के आधार पर वास्तविक चीज़ों के आधार पर इसको समझाने का या व्याख्या करने का प्रयास करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं हम इसमें, इसलिए ये लोग कहते हैं कि ये समाजशास्त्र विज्ञान है अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह। चौथा पॉइंट जो है तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण, कैटेगराइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ द फैक्ट। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा एकत्रित आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाता है तथा तर्क के आधार पर निर्वचन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, क्योंकि तथ्यों का वर्गीकरण उनके क्रम का ज्ञान एवं सापेक्ष महत्व का पता लगाना ही विज्ञान है। इन सब बातों को ही हम समाजशास्त्रीय विश्लेषण में स्पष्ट देख सकते हैं, अतः समाजशास्त्र एक विज्ञान है। एक एग्जांपल यदि मैं आपको इसमें दूं तो जैसे सपोज
मैंने आपको एक बार एग्जांपल, जैसे कई बार हम बहुत इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हैं और बहुत सामान्य सी घटना है ना, बहुत सामान्य सी, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, हम कहते हैं बिल्ली रास्ता काटने से माना यह जाता है, अब ये सही है या नहीं, इसका अगर हम जांचना चाहते हैं कि बिल्ली रास्ता काटने से काम खराब हो जाता है, तो सपोज हमने 100 सैंपल लिए और 100 सैंपल अगर सुबह सुबह कोई आदमी व्यक्ति काम करने जाता है और 100 में से हम 100 लोगों के सामने से बिल्ली को जो है रास्ता कटवाया और उसको शाम में पूछा कि भाई आपका आज का दिन कैसा गया, अगर हमको 60% लोग ये क्या है, हमने लोग बाग यस एंड नो, हाँ या ना हाँ के बारे में अगर अपना उत्तर देंगे और हमने उसको कैटेगराइजेशन किया, हमने संख्या निकाली कि इतने लोगों ने हाँ कहा, इतने लोगों ने ना कहा, उसके बाद परसेंटेज निकाला और हमने देखा कि मोर देन 60% लोगों ने यदि ये कहा कि बिल्ली रास्ता काटने से जो है काम खराब होता है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ ये काम खराब होता है, अगर ये कहते हैं नहीं हुआ है तो हम इसको रिजेक्ट करते थे। तो हमने जो बात कही है कि बिल्ली रास्ता काटने से काम खराब हो जाता है, तो हमने ये किसके आधार पर करी, तथ्य के आधार पर, फैक्ट, हमने डेटा इकट्ठे किए, जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा। देखो हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने आपको जो प्रीवियस क्लास में मैंने उपकल्पना परिकल्पना के बारे में बात करी कि हम उपकल्पना या परिकल्पना कोई भी विचार या विचारों का कुंज जिसकी सत्यता और सार्थकता की जांच करना बाकी होता है। कोई भी हम हाइपोथेसिस जो होती है, उस हाइपोथेसिस इज व्हाट इट इज एन आइडिया और अ हंच ऑफ गेसेस हुज वैलिडिटी रिमेन्स टू बी टेस्टेड। अब ये गेस है, सोच है, सोच गलत भी हो सकती है, सोच सही भी हो सकती है, तो सही है या गलत, हमारी परिकल्पना सही है या गलत, ये इसको हमने जांचा है, इसकी सत्यता को हमने परखा है। तो जो बिल्ली रास्ता काटने वाली जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, तो इसको हमने जांचा है, अगर जांचने के बाद अगर हमें तथ्य मिलते हैं, जैसे मैंने आपको परसेंटेज के आधार पर बताया कि अगर मोर देन 60% लोग अगर ये कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काटने से कोई काम खराब नहीं होता है, तो हम मान लेते हैं कि काम बिल्ली रास्ता काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर ऐसा मोर देन 60% लोग अगर कहते हैं कि आज का हमारा दिन जो है खराब गया या हम जिस काम के लिए निकले थे, क्योंकि हमारी बहुत सारी हमने सामाजिक जीवन में आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम घर में देखते हैं कांच का टूटना अशुभ, दूध उफन गया तो अशुभ हो जाता है, या बहुत सारी छोटी छोटी चीज घटनाक्रम आप अपने डेली लाइफ में देखें, तो हमने उसको बहुत अशुभ और शुभ से एसोसिएट कर लिया। अब सही है या नहीं हम ये नहीं देखते हैं, बट हमने इसको, क्योंकि हम आगे वाले भी फॉलो करते आ रहे हैं और हम भी फॉलो कर रहे हैं इसको, मगर अब जो फॉलो करें अगर उसको वो सही है या नहीं, इसको हम इस रूप में साइंटिफिक मेथड वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए हम इसको जांच सकते हैं कि ये सही है या नहीं। चौथी बात अगर हम बात करते हैं कि कैटेगराइजेशन ऑफ फिफ्थ बात, कार्य कारण संबंधों का पता लगाना, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का पता लगाना, जैसे आपने देखा होगा वेदर फोरकास्टिंग का कि भाई ये बादल इस टाइप के आ रहे हैं या डेंस क्लाउड है, तो हम इस आधार पे कह सकते हैं कि आज वर्षा होगी या नहीं होगी, या तेज या कम वर्षा होने की जो है संभावना है, या कई बार आपने देखा होगा पूर्वानुमान हो जाता है, फोरकास्ट कर देते हैं कि अकाल पड़ेगा या तेज सर्दी पड़ेगी या आगामी आने वाले 10-15 दिनों में हमारा मौसम का क्या हाल, ये फोरकास्ट। तो ऐसे भी क्या हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का फोरकास्ट करते हैं या कोई भी घटना, अब फोरकास्ट सपोज हमने किसी ने, जैसे स्पेशली वेदर वाले अगर हम बात करते हैं मौसम विभाग वाले, तो उन्होंने किस आधार पर बताया, उन्होंने बादलों की या उसमें जो मॉइस्चर है उस आधार पर बताया कि जो बरसात हो सकती है या नहीं हो सकती है ना। तो जो भी कार्य हमारे यहाँ पे भी सामाजिक प्रघटना में भी अगर जो भी कार्य होता है उसका कारण ज़रूर होता है, तो देर इज़ एन रिलेशनशिप बिटवीन कॉज, जो भी रीज़न का कार्य होता है उसका रीज़न ज़रूर होता है, तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कोई भी कारण जो भी घटना घटित होती है उसका कोई ना कोई कारण होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है ज़रूर होता है कोई भी सामाजिक प्रघटना का। तो ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो है इसका अध्ययन सामाजिक साइंटिफिक मेथड द्वारा जो है समाज में किया जाता है। समाजशास्त्र अपनी विषय वस्तु में कार्य कारण संबंधों की खोज करता है, अर्थात
इसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक घटनाओं के बारे में आंकड़े एकत्रित करना ही नहीं अपितु उनके कार्यकारण संबंधों का या परिणामों का पता लगाना, प्राकृतिक विज्ञानों में भी कार्यकारण संबंधों का निरीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है, परंतु समाजशास्त्र में अप्रत्यक्ष प्रयोगशाला हालांकि नहीं होती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सोसाइटी जो है वो लैब ही है, पूरा समाज जो है वो प्रयोगशाला ही है, हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तुलनात्मक पद्धति द्वारा यह संभव हो पाता है। जैसे सपोज हम नेचुरल साइंसेस में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, अगर हमें सपोज बाय द वे पानी बनाना हो, हम गए लैब में और हमने दो गैस को मिलाया और हमने पानी बना के देख लिया क्या वेदर इट रियली वाटर इज मिक्सचर ऑफ टू गैसेस हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम इसको पता लगाना चाहते हैं तो हम लैब में जाके, मगर हम यहाँ पर अगर किसी चीज को समाज में घटरीय घटना को अगर हम प्रयोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, तो हम ये जो ये विद्वान मानते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है, वो कहते हैं बिल्कुल अन्य विज्ञानों की तरह इसमें भी जो है हम लैब में जाके, और लैब क्या है यहाँ पर द होल सोसाइटी इज लैब फॉर देम, तो समाज जो है पूरा समाज जो है प्रयोगशाला है और यहाँ पर जो है प्रयोग करके देखा जा सकता है। छठा पॉइंट जो है सामान्यकरण का सिद्धांत या सिद्धांत निर्माण करने का प्रयास किया जाता है, अटेम्प्ट फॉर जनरलाइजेशन और ऑफ थ्योरी बिल्डिंग, सामान्यकरण करना या जनरलाइजेशन के द्वारा थ्योरी बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो इसमें होता है, इसलिए हम कहते हैं कि यह एक विज्ञान है अन्य विज्ञानों की तरह। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन किए जाते हैं तथा सामाजिक वास्तविकता को समझने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसमें सामान्यकरण करने का सिद्धांत का निर्माण करने का प्रयास भी किए गए हैं। यद्यपि एक आधुनिक विषय होने के कारण इनमें अधिक सफलता नहीं मिली है, समाजशास्त्र में यद्यपि अधिक सर्वमान्य सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया गया, परंतु अनेक सामान्यकरण किए गए तथा आज हम निरंतर सिद्धांतों के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ चेंज मैंने फर्स्ट ईयर में, सॉरी अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो परिवर्तन पढ़ेंगे, सामाजिक परिवर्तन, परिवर्तन जो है समाज की संरचना और प्रकार्य में जो परिवर्तन होते हैं, या जनरली आप बहुत एक कॉमन वर्ड चेंज परिवर्तन है ना, समाज में भी परिवर्तन होते हैं। तो एम एन श्रीनिवास ने जो है, हम मैं ये बात आपको सेकंड पेपर में बताऊंगी, उसने एक सिद्धांत दिया था पश्चिमीकरण का या संस्कृतिकरण का। संस्कृतिकरण का एक सिद्धांत है जिसमें ये माना जाता है कि भारतीय समाज में परिवर्तन जो है वह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें निम्न जातियां ऊंची जातियों का अनुसरण किसका करती है, खान पान रहन सहन बोली चाली इसका अनुसरण करती है ना, और उनमें परिवर्तन आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा ट्राइबल एरिया, जो जनजातियां जो है, जनजातियों ने अपनी जो कल्चर, अपनी जो बोली चाली, ये सारा चेंज मतलब उसमें उसको छोड़ के अन्य जातियों का अनुसरण किया है या उसको अडॉप्ट किया है या अपनी जो है कल्चरल ट्रेड्स को, सांस्कृतिक तत्वों को जो छोड़ दिया है और नया अपनाया है। तो इस प्रक्रिया को जो है, इस सिद्धांत को जो है, उन्होंने इसको सामान्य संस्कृतिकरण जो है नाम दिया है कि इसके द्वारा भारत में जो है परिवर्तन होता है। तो ये क्या है, इट इज़ अ थ्योरी, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट। दो संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के द्वारा जो, और लगभग जो है इसको नो डाउट इसका भी क्रिटिसिज्म है, बट ज़्यादातर लोगों ने इसको माना है कि हाँ इस कॉन्सेप्ट द्वारा या इस प्रोसेस द्वारा जो है भारत में परिवर्तन होता है। तो एक जनरलाइजेशन है, जो भी कुछ भी सिद्धांत बनता है, नो डाउट किसी भी सिद्धांत का क्रिटिसिज्म ज़रूर होता है, बट कुछ बातों में जो है जनरलाइजेशन भी होता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे जो है परिवर्तन के जनरलाइजेशन हुआ है। सेवेंथ पॉइंट जो है वो है कि सामाजिक सिद्धांतों की पुनः परीक्षा या वेरिफिकेशन ऑफ सोशल प्रिंसिपल्स, विज्ञान के लिए ये आवश्यक है कि उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का पुनः परीक्षण हो सके, इस कसौटी पर समाजशास्त्र खरा उतरा है। जब किसी समाजशास्त्री द्वारा सिद्धांतों या नियमों प्रतिपादित किए जाते हैं और अन्य लोग
उसे तर्क के आधार पर समझने और प्रमाणों के आधार पर उनकी पुनः परीक्षा करने का प्रयास भी करते हैं। भविष्यवाणी करने में सक्षम, लास्ट बट नॉट लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, केपेबल ऑफ मेकिंग प्रेडिक्शंस, फोरकास्टिंग जो होती है। समाजशास्त्र क्या है कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन के आधार पर यह बतलाया जा सकता है कि क्या होगा, क्या है के आधार पर हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि क्या हो सकता है आगे। समाजशास्त्र में क्योंकि कार्य कारण संबंधों की खोज संभव है, अतः इसके आधार पर एक समाजशास्त्री भविष्यवाणी कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर मैं एग्जांपल दूं, समाजशास्त्र हमें यह बतलाता है कि अपराध क्या है, इसके होने के क्या कारण है। यद्यपि अपराध की दर में वृद्धि होती है, समाज में इसके क्या परिणाम होंगे, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में के आधार पर भविष्य की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता होने के कारण समाजशास्त्र को विज्ञान मानना उचित होगा। सो these are the points on the basis of which we can say that sociology is a science. Ab hum baat karenge next class mein ki sociology is not a science. Thank you. To bahut bhari kaam hai.